living on the edge. कौन है risk taker? हम जैसे ही चलना शुरू हुए वकार भाई ने पीछे से आवाज दी, एक मिनट, ब्रेकिंग न्यूज। Mountain Dew Living on the Edge के फाइनल में दो लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन वकार भाई ने उस टाइम पे एक ट्विस्ट डाला। उन्होंने कहा तुम दोनों में से एक होगा जो वापस आएगा। ये तो आपका मेन डेयर है, सर्वाइवल डेयर तो हुआ ही नहीं अभी। मैं पिछले दो सर्वाइवल डेयर करके आया, मैंने लगा इससे खतरनाक कौन से होंगे यार सर्वाइवल डेयर, आप क्या कर सकते हैं। नहीं मतलब भी मरूंगा, मैं मरता हूँ। और वकार भाई ने कहा कि आपका डेयर है फौरन बाद। बस मैंने उसी टाइम पे हार मान ली। मैंने कहा मैं कर ही नहीं सकता जो मर्जी डेयर हो, क्योंकि आप दोनों इतने टफ हैं, तो आपका मुकाबला ब्रिज के ऊपर होगा और मुकाबला होगा बॉक्सिंग का। मैंने बोला मैं तो गया, ऐसन का हाथ मोटा इतना सांड, मैंने बोला मुझे पढ़ने और नॉकआउट होना और बस मैं नहीं जाना है इस शो से। तो ब्रिज पे चलते हैं और देखते हैं कि किसमें इतनी हिम्मत है कि वो ड्यूस्तान के फाइनल तक पहुंच सके। मैंने कहा यार एक क्लैशनकोफ ला दो, इधर गोली मार दो, जरूर पिटवाना है उस बंदे से, पहले मैं थक चुका हूँ। जब उस पुल पे गए तो वो पता चला पुल भी ढीला, इधर उधर हिल रहा है। ये पुल बहुत हल्का है, यहाँ से लोग बहुत दफा गिरे भी हैं, 4-5 दफा ये रिपेयर हो चुका है। पुल गिरेगा तो दोनों ही बाहर, और नीचे कोई सेफ्टी नहीं आपके लिए। जहां लगे चक्कर आ रहे हैं वहां रुक जाओ। होनी है आपके दरमियान बॉक्सिंग, लेकिन माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज के स्टाइल से आपको मिलेगा एक एक ग्लव और एक हाथ पीछे बंधा हुआ होगा। ताने ग्लव पहन के रेडी हो रहे हैं ना, यूं कर रहे हैं, मुझे तो देख के खौफ आ रहा था ये तो अन्नी लिया मुझे जवा कर देगा। थका हुआ इतना तो उसने एक मुक्का मारा था, मैंने पुल से नीचे गिरना था। जब इनके दरमियान फाइट शुरू हुई, बाप बेटे का रिश्ता तो ये लोग भूल ही गए। ठीक है ऐसा लगी है, शुरू में तो एक दूसरे पे पड़ गए ना, द्रजा द्रजा ताक एक दो मुक्के मुझे काफी ज्यादा जोर से लगे मुंह पे। ऐसे टिकाए कि वो दो तीन बारी में रुक के बोल रहा है नहीं एक मिनट रुक, पकड़ना नहीं एक दूसरे को। ताने दे दिन आदन मुक्के ऐसन के मुंह कर दिए। ऐसन ने पहले रुक भाई रुक, क्या कर रहा है तू, एक मिनट रुक सांस लेने दे। टाइम चल रहा है आप लोगों का, दंगर था यार, 6 फुट का बंदा था, इतना बॉडी बिल्डर, मुझ जैसे बंदे को मार रहा था। मैं तो पहली दो डेयर करके मुक चुका था। फिर मैंने दिए टाइट मर्दों वाले हाथ के ना, ये 2.5 किलो का हाथ दिए। हार मान ली है सन, मैं बैकआउट कर रहे ठीक है। यस yes! yes!